अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है ताडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है ताडी सारिया दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते बसते रहो। ते आज फिर एक नवा दिन चढ़ पिया है, एक नवा मिशन। रोजाना असी जा रहे हैं किसी ना किसी कार विच, साथ दो तीन कार निपटा रहे हैं। जल्दी जल्दी एक टाइम खत्म होता जा रहा वे, तो साड़ी भी कोशिश है वे कि असी जाने तो पहलो पहलो सारे अपने रिश्तेदारों नूं, मिलन जुलन वाले दोस्त है बाप सब नूं थोड़ी थोड़ी देर सही मुलाकात होंगी जावे। तो मैं नाल नाल चल रही हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह से मैं इस क्लिप नहीं बना पाती कि तुम्हें पता है कि लोग कैमरे के सामने आते ज़रा शर्माते हैं, या मतलब उन्होंने अच्छा नहीं लगता, ज़्यादातर लोग शर्मा जाते हैं। तो बहरहाल वो फिर मैं तुम्हें जबानी नाल नाल दसती रहनी हाँ। असी मुख्तलिफ जगह पर जा रहे हैं, पर इन्नी रोड्स की हालत ख़राब है कि मैं यकीन नहीं आता कि वही शहर है जो कुछ इन्ने साल पहले इन्ना अच्छा चौड़िया सड़क और साफ सुथरा शहर सी, और इनू कहा जाता सी ठंडी हवाओं का शहर। हैदराबाद दी शामा बड़िया ठंडिया ने, हवावां इहदियां मशहूर ने कि ठंडिया ठंडिया हवावां, तो वो बहुत अच्छा शहर तसव्वुर किया जाता है। पर हुण हवावां तो ज़ारे गर्मी चलेगी, गर्मी च ठंडिया शाम दी हवावां, लेकिन रोड्स की हालत इंतहाई ख़राब है, और जरा इर्द गिर्द जड़े गंदगी ढेर लगे हुए ने अलग। उस दिन उस बाने एक लिखिया फिकरा कि कचरा कचरे के ढेर भी जड़े ने ना साढ़े कल्चर का हिस्सा ही बन चुके हैं मुल्क में जगह जगह पर। वाकई ठीक क्या उसमां तुसी, ये अच्छे अच्छे शहर अच्छी अच्छी जगह साढ़े मोहल्ले साढ़ा मुल्क, इस तो ही गंदगी का अंबार एक नज़र आता। जिस तरफ तुसी चले जाओ तुहानू बड़ी शर्मिंदगी महसूस होंदी है। इत्थे जिते असी रहने हैं इत्थों जाते हुए रस्ते विच एरिया पैंदा वे जिहड़ा फौजियों का इलाका कहते रहे, समझो कि उन्हों का म्यूनिशन डिपो है, वो रोड है, वो भी रोड इस कदर ख़राब हो चुकी है। दोनों साइड तो म्यूनिशन डिपो है जिते फौज वाले अपना असला और गोला बारूद वगैरह जिथे रखिया होंगे, सख्त सिक्योरिटी है, लेकिन रोड की हालत इंतहाई ख़राब है। शहर में भी इस तरह हालात ख़राब ने, पानी के मसाइल ने, और ज़्यादातर मेरी वीडियो लेट होने की वजह है ये कि इतने लाइट का कोई पता नहीं है, कि लाइट इस तरह गायब हो जाती है जो पता ही नहीं है कि UPSC लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। तो उस वजह के ना जो टावर लगे हुए हैं यूफोन या जोड़े हो टावर और सिग्नल देना बंद कर देंगे ने। इस तो वो परसों तरसों 3-4 दिन पहले गल है, मैं वीडियो अपलोड की करने वास्ते लाई, वो हो ही नहीं रही सी, घंटे गुजर गए, आखिर मैं नींद आ गई थोड़ा, मैं सो गई उस दिन। फिर जरा फिर मैं दूसरे दिन लाई, वो देर हो गई। इस तरह फिर इंटरनेट के भी बड़े मसाइल ने। बहरहाल पाकिस्तान कम मसाइलिस्तान ज़्यादा लग रहा वे, तो फिर भी कोई गल नहीं, सानू मसाइलिस्तान भी जरा ना बड़ा प्यारा लगता वे। तो मलाइका का मैं शुक्रिया अदा करनी हाँ, मलाइका बड़े रैगूलर देखते ने मेरे उन्होंने, उन्होंने मैं बहुत शुक्रिया अदा करनी हाँ। वो कहते हैं भी असी सारे घर वाले ताड़ी वीडियोज़ में बड़े शौक न देखने, सानू बड़ा चंगा लगता वे तो बड़ा मज़ा आता वे, तो वीडियो में लाइक भी करते हैं और बड़ा हमेशा उन्होंने अच्छे कॉमेंट्स आते हैं। तो मलाइका जी ऐ लो जी ताड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक दिन मैंने मैसेज किया कि तुम मैनू मिलने वास्ते कदों आओगे, तो मलाइका मैंने एक दिन ताडे कॉमेंट तो अंदाजा होया कि तुम लाहौर रहिंदे हो, पर अभी कि लाहौर की तरफ मैं अगर आँदी तो यकीन मनो मैं उसमें भी मिलती, मैं तुहानू भी मिलती, पर लाहौर की तरफ इस तरह अभी साढ़े को टाइम की कमी की वजह ना प्रोग्राम बन नहीं रहा। असी पंजाब जाना वे, लेकिन बूरे वाला मुल्तान और उतों ही वापसी साड़ी हो जानी। पूरी कोशिश सी कि ऐसा 2-4 दिन होर मिल जाते सानू, तो असी अगे का भी चक्कर ला लेंगे, लेकिन बहुत वक्त शॉर्ट है इस मिल नहीं पाए। बहरहाल मेरा वादा वे कि इंशाल्लाह जिंदगी रही जो मैं आई फिर मैं पूरी कोशिश करांगी लाहौर आने की, कि लाहौर मेरे अच्छे खासे मेरे रिश्तेदार भी रहेंगे ने उत्थे, और गुजरांवाला मेरे फुफो रहेंगे ने, सियालकोट इस्लामाबाद इस सारी जगह से साढ़े काफ़ी अजीज रहते रिश्तेदार ने। पर मैसेज मैनु काफ़ी लोगों के आए, मेरे ट्विटर फ्रेंड ने उन्होंने भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करनी हाँ। ज़्यादातर लोग ट्विटर फ्रेंड मेरी यह वीडियोज़ तो नहीं देखते हैं, पर मैं फिर भी उन्होंने शुक्रिया अदा करनी हाँ। उन्होंने सारिया ने मैनू दावत दी अपने अपने शहर आने की कि तुम पाकिस्तान आए हो, किसी ने किसी जगह तो मैसेज किया, किसी ने किसी जगह तो मैसेज किया, मैं बड़ा चंगा लग्या कि तुम सारे ने अपनी मुहब्बत, क्योंकि मेहमान नवाजी ये साड़िया रवायात, एक दूसरे को खाना खिलाना और एक दूसरे को हाल चाल पूछना, गपशप करना, इज्जत देना, यह बहुत पहचान है साड़ी। तो मैं तो बई इन्ना ज़्यादा मसला हो गया कि मैं जिसे घर जानी है जोर ही उन्हें खवा देने, खाओ कुछ नहीं होंगे, खाओ कुछ नहीं होंगे, भी होना की वजन वधी जा रहा, होर की होना है।
तो मेरा इतने आ के इन्ने दिन से मैं लग रहा है कि वजन ज़्यादा बढ़ गया, तेज़ी नाल बढ़िया। उसकी वजह एक एक तो मैं दुध वाली चाय पी जा रही हाँ, जिते जा रही हाँ वो दुध पत्तियाँ ठोकी जा रही हाँ, वो बड़ी वजह है। दूसरा मिठे खाण जा रहे हैं, केक खा रहे हैं, गजरेले खा रहे हैं, तो वही सितम अपनी जान तक करी जा रहे हैं। मैं क्या कोई गल नहीं, हम जाके रोजे आने ने असी अपना वजन मेनटेन करा, थोड़ा जहा घट करने की कोशिश करा। वैसे मेरे तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि मैं वजन घट करने की कोई कामयाब कोशिश करा, हमेशा मेरी कोशिश नाकाम होती। खाना देख के खासकर मिठा देख के मेरा जरा ना हाथ रुकता नहीं है, बच्चों की तरह मैं बस खाने लग जाती हाँ। तो चलो फिर कितों साड़ी कोशिश कोई कामयाब होनी है, लेकिन चलो रोजे आ रहे हैं, घर जाके कुछ ना कुछ तो असं करा ना। तो अज भी असं निकल रहे हैं शहर की तरफ जा रहे हैं। मैं कल तुम अगर मैं कोशिश करा क्लिप बना सकी तो उस एरिए बनावगी। असं हीराबाद की तरफ जा रहे हैं, तो उत्थे सिविल हॉस्पिटल है और उत्थे गुलाब पान हाउस बड़ा मशहूर है। गुलाब पान हाउस के पान बड़े मशहूर ने। मैं कोशिश अगर उस तरफ जा सकी उस गली में तो मैं शायद वह क्लिप बना लव, लेकिन असं उस एरिए जा रहे हैं। तो असं फिर उत्थे की कहते हैं अपना साढ़े अजीज ने उन्होंने घर से जो दोस्त है बाबरी उन्होंने मिलन जा रहे हैं। तो मगरब का टाइम हो गया वे, इस तरह दिन तेज़ी ना गुजरते जा रहे हैं कि मैनू तो बस हूँ यही हो रहा, बस ज़्यादा उदासी हो जाती है। बस थोड़े दिन वास्ते असी रह गए इतने, फिर असी चले जाना वे। तो भाई फिर तो जाना तो घर वाल ने कहते हैं घर ही जाना होंगे। असा हूँ टुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, तो असा हूँ टुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। कुछ जड़े ने ज़्यादातर कोशिश की थी कि अपने बाप के नाल मुलाकात करिए, कुछ ऐसे दोस्त ने जिन्हों की मिलन में ख्वाहिश सी कि कभी असं मिलेंगे असं गल करांगे, वो कहते ने वो ख्वाहिशा पूरिया नहीं हो सकिया, इस तरह असं नहीं मिल सके। उस्मा नूं मिलन का मेरा बड़ा शौक सी। उस्मा ने कहा कि बाजी तुसी मेरा नाम बड़े दिनों बाद लिया, मैं बड़ी खुश हो गई हाँ। जदों होली जई लैना मेरा ना, जदों होली जई लैना मेरा ना, मैं था मर जानिया, हाय मैं था मर जानिया। तो उस्मा ने कहा तुसी मेरा ना लेंदे हो, तो मैं बड़ी खुश हो गई। चलो उस्मा अगे कहते ताड़िया मुहब्बतों का भी शुक्रिया, मलाइका ताड़िया मुहब्बतों का भी शुक्रिया। उमर हयात साहब मैसेज करते ने, शब्बीर हुसैन साहब मैं यकीन है कि वह वीडियो तो देखते हो गए, अजकल कॉमेंट उन्हों का मैं नज़र नहीं आ रहा। तो उन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइबा तो नेताशा फिजा इशाल सब का मैं शुक्रिया अदा करनी हाँ कि सारे मेरे देखते ने वीडियोज़, तो वो कॉमेंट भी करते हैं। सौलत हुसैन ने होर भी कुछ शायद मैं ना ऐसे भूल रही हाँ। तो एक नवा एक इजाफा होया मलाई बोटी, मलाई बोटी का भी बई बहुत बहुत शुक्रिया मलाई बोटी कि ना कि ना अच्छा है जो कॉमेंट करते हैं कि मलाई बोटी। तो भाई भी है बड़ी मज़ेदार नाम है मलाई बोटी, तो असा वा खा लो जी चुक के मलाई बोटी। तो सारे का शुक्रिया मैं अदा करनी हाँ। तो हूँ असी चलने हाँ, टाइम हो गया मैं निकलण का। तो फिर मैं जड़े अगर मैं क्लिप बना सकी कल मैं नाल शामिल कर लवानगी उसते, तो अज मैं इस दे नाल एक क्लिप ऐसा जोड़ देवगी। कल मैं गई सा अपने आदिल दे घर, तो मेरे चाचा दे बेटे ने उन्होंने घर गई सा, उन्होंने बच्ची के नाल मैं एक छोटा जहा क्लिप बनाया सी। मैं बच्ची का क्लिप ला देवगी, बहुत प्यारी बच्ची ना बड़ा प्यारा आयत, तो उन्हें मैं गलबात की थोड़ी जी, मैं वो तुम ला देवगी। तो फिर हूँ मैं चल रही हाँ, पसीने देखो मेरे किन्ने आ गए, यकीन मनो इन्ने पसीने दे ये टप टप पे वगते हैं। हम गर्मी का आलम आ गया कि लॉन के सूट ने असी हाँ, तो बस बई साड़ी आवारा गर्दी इन्नी शदीद गर्मी है कि हम दूसरे कपड़े पाए नहीं जा रहे। सोच भी नहीं सकती मैं कि दूसरे कपड़े असी पावे, कोई रेशमी कपड़े मैं पा सकाँगी, बहुत शदीद मैं गर्मी लग रही है। तो चलो बई हूँ मैं चल रहे हाँ, फिर मिलने ते अपने मैं शामिल भी रखागी, तो तुम अपने नाल मैं कि कहें दसती भी रहागी नालों नाल कि असी कितने गए हैं। अगर मैं तस्वीरी तौर पर नहीं दस सकी पर मैं तुम क्लिप जरूर ला देवगी, वह जो क्लिप ना ला सकी तो मैं असी तुम दस देवगी। साड़ा टूर जरा इस तरह ही गुजरना है, छीना छपटी का भी डर है, तो बस इस तरह खौफ हरास भी है, तो खुशी और खुशी का मिजाज भी है, इस ही साड़ा सफर पिया लगता है। तो फिर मिलने हैं हूँ तो मेरे वालों अल्लाह हाफिज़, कोई क्लिप हो सकिया तो मैं जोड़ दाँगी, वरना फिर असी कल मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है ताड़ा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है ताड़ी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हंसते रहो ते वास्ते रहो। आज असी आए हैं जी आयत दे घर, असी आयत को आए हैं। आयत बड़े खुश हो गई सानू देख के, असी आयत का इंटरव्यू करांगे क्योंकि आयत का ना ही इन्ना चंगा वा, एक मैंने सुन के ही बड़ा अच्छा लगे है। आयत तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आयत क्लास वन में पढ़ती है आयत। और आयत को कौन अच्छा लगता है, मम्मी अच्छी लगती है पापा? दोनों अच्छे लगते हैं। भाई आयत कह रही है कि मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और आयत आपको कोई सॉन्ग आता है? नहीं आता ही नहीं। आप सुनती नहीं हो? सुनती नहीं, शौक भी नहीं है। तो क्या देखती हो आप? कार्टून देखती हो? क्या चीज कार्टून देखती हो? कौन सा कार्टून फेवरेट है आपका? कौन सा? माइकल डॉस। अच्छा अच्छा लगता है आपको। कितना देखती हो दिन में? बहुत ज्यादा। ओए होए, एक एपिसोड देखती है भाई आयत। अच्छा आयत ये बताओ कि आप जो खाने में क्या पसंद है आपको? सब कुछ। भाई यह बच्ची तो सारे नालों चंगी है कि इन्हू सब कुछ अच्छा लगता है, वरना ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हमें पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है, लेकिन आयत कह रही है मैं सारिया चीज़ें खा लेनी है भाई। ठीक है ना? तो आयत ये आप ये बताओ कि आपको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है? लो भाई ये 100% नंबर मिल गया आयत तो। आयत कह रही है मैंने कोल्ड ड्रिंक भी चंगी नहीं लगती। मैं अब फिर क्या पीती हूँ आप कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती है तो? पानी और जूस पीती है भाई आयत। आयत तो भाई 100/100 नंबर मिल गए आयत को, क्योंकि आयत ने इतनी अच्छी बच्ची है कि इसको कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी नहीं लगती है और ये हर चीज़ भी खा लेती है। तो जबरदस्त। आयत आपको ड्रेस में क्या पसंद है? सारे ड्रेस अच्छे लगते हैं। ईद पे क्या पहनती हो? अच्छा मम्मा का फेवरेट ड्रेस आयत ईद पे पहनती है। अच्छा चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं? कौन से कलर की? सारी सारी भाई आयत को सारे कलर की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो आयत अब हम चलते हैं, अब अल्लाह हाफिज़ आपको करते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपको खुशी हुई है मुझसे मिलके? आप हैप्पी हुई हो? जी। चलो भाई अल्लाह हाफिज़ कर दो फिर सबको। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई आयत ने तो बड़ी अच्छी गल्ला की।